जैसा कि आपको पता है YouTube पर कोई भी वीडियो वायरल सिर्फ दो ही रीजन से होती है। नंबर वन दोस्तों उसका हायर CTR, बोले तो उसके थंबनेल पे जितने ज़्यादा क्लिक होंगे उतनी ही वीडियो YouTube औरों को भी सजेस्ट करेगा। नंबर टू दोस्तों उसका हायर ऑडियंस रिटेंशन, मतलब दोस्तों अगर 5 मिनट की वीडियो है, अगर 2 से 3 मिनट, मतलब 40 से अगर 60% उसका मतलब ऑडियंस रिटेंशन है, तो भैया वीडियो को काफ़ी हद तक अच्छा मानता है और यूट्यूब वीडियो को रेकमेंड करेगा। तो दोस्तों हाई CTR आएगा कैसे? दोस्तों ऐसे में आज की वीडियो में हम आपके लिए 5 ऐसी कमाल की टिप्स लेके आए हैं जिससे आप अपने CTR को 10 से 20% तक आसानी से कर सकते हो। मतलब दोस्तों अगर 100 बंदों के पास आपकी वीडियो YouTube भेजता है तो भैया 10 से 20 आपकी वीडियो को पक्का यहाँ पे आपके थंबनेल पे क्लिक करेंगे। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो को कम्प्लीट देखें। दोस्तों थंबनेल को आप इतना यहाँ पे क्लिकेबल बना सकते हो जिससे दोस्तों आपका हायर CTR हो, मतलब दोस्तों आपका क्लिक थ्रू रेट बहुत ही ज्यादा हो जाने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो दोस्तों अब तक की सुपर हिट यहाँ पे पिक्सल लैब से बढ़कर कोई एप्लीकेशन नहीं है। मतलब दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप अच्छे खासे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों हमारी पहली टिप्स यही है भैया, इस प्रकार के आपको एरोज इस्तेमाल करने हैं। मतलब दोस्तों आपकी वीडियो कोई भी इस प्रकार से स्क्रोल डाउन करता है भैया, इन प्रकार के एरो पे, मतलब इस प्रकार के एरोज पे यहाँ पे बहुत ही जल्दी मतलब दोस्तों नज़र पड़ती है। ऐसे में दोस्तों इस प्रकार के एरोज का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार के एरोज लोगों के यहाँ पे मन में एक कृष्टि पैदा, जिज्ञासा पैदा कर देते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पे क्लिक रहने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों यूज एरोज। दोस्तों नंबर टू कलर कॉम्बिनेशन, मतलब दोस्तों आपको अपने थंबनेल में कलर का कॉम्बिनेट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल अदा करता है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये है, कैसे करें ऐसे में दोस्तों सिंपली अगर इसका यहाँ पे कॉम्बिनेट कर देता हूँ मैं बैकग्राउंड इस प्रकार से, तो दोस्तों कितना हद तक अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोसेस 2021 है, ऐसे में दोस्तों इसका बैकग्राउंड है यहाँ पे रेड और भैया कलर है इसका ब्लैक। ऐसे में दोस्तों अगर मैं स्ट्रोक लगा देता हूँ तो दोस्तों इस थंबनेल में यहाँ पे चांद लग जाने वाली है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे थंबनेल काफी हद तक कूल लगने लगा। और दोस्तों जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मतलब आप इस प्रकार से एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो कलर कॉम्बिनेशन के साथ, यानी दोस्तों एक कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए दोस्तों आप कलर कॉम्बिनेशन का याद रखें भैया, कलर कॉम्बिनेशन आपके थंबनेल के लिए बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा करता है। नंबर थ्री दोस्तों यूज करने हैं आपको 2 या 3 ही शब्द अपने थंबनेल में। मतलब दोस्तों इस प्रकार से थंबनेल में देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5-6 यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हो चुके हैं, तो यहाँ पे थंबनेल इतना कूल नहीं लग रहा है। ऐसे में दोस्तों मैं दूसरा थंबनेल दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे कि ये वाला थंबनेल हो रहा है, मतलब दोस्तों इस थंबनेल में सिर्फ यहाँ पे 2-3 ही शब्द इस्तेमाल हुए हैं, मोस्टली 3 ही वर्ड्स, और यहाँ पे भैया थंबनेल काफी हद तक एरो के साथ यहाँ पे मतलब एक धमाकेदार थंबनेल लग रहा है। ऐसे में दोस्तों इस पे क्लिक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए दोस्तों यूज 2 और 3 वर्ड इन योर थंबनेल। नंबर 4 यूज बाउ एक्सप्रेशन फेस, मतलब दोस्तों आप अपने फेस को इस प्रकार से मतलब एक आश्चर्यचकित वाला फेस इस्तेमाल करना है। मतलब दोस्तों जिससे होता क्या है यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट ज्यादा होता है। मतलब दोस्तों एक ह्यूमन होता है वो भैया समझने की कोशिश करता है भैया थंबनेल में मतलब वीडियो में क्या होने वाला है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार के मतलब आप अगर अपने थंबनेल में मतलब फेस एक्सप्रेशन देते हो, मतलब बाव वाले या फिर मतलब पता नहीं क्या हो गया, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन देते हो, तो दोस्तों आपके थंबनेल काफ़ी हद तक ब्यूटीफुल और भैया क्लिकेबल बनते हैं। ऐसे में दोस्तों क्लिक करने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए दोस्तों यूज यहाँ पे फेस वाव एक्सप्रेशन। तो दोस्तों मैं पर्सनली यूज करता हूँ एक तो फोटो रूम और नंबर 2 यहाँ पे रेविनी ऐप। मतलब दोस्तों एक्सटर्नल पिक्सल लैब के अलावा ये 2 एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो तो दोस्तों काफी हद तक अच्छा बना सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं मैं प्लस आइकन पे जाता हूँ और गाइस जो भी मैंने फोटो सेलेक्ट करी है, आपको भी दोस्तों एक एक्सप्रेशन वाले फेस वाली फोटो आपको ले लेनी है कुछ इस प्रकार से, और भैया कुछ ही सेकेंडों में यहाँ पे आपका जो भी थम मतलब जो भी बैकग्राउंड है बिल्कुल यहाँ पे रिमूव हो जाने वाला है कुछ इस प्रकार से। सिंपली दोस्तों इस फोटो को आपको सिंपली गैलरी में सेव करना है और भैया यहाँ पे अपने थंबनेल को कुछ इस प्रकार से आप एक अच्छी दे सकते हो। यहाँ पे दोस्तों रिमिनी एप्लीकेशन का भी यहाँ पे बहुत ही अहम रोल है। जैसे ही देख सकते हो यहाँ पे रिमिनी एप्लीकेशन से आप कोई भी फोटो को मतलब उसके अंदर दोस्तों कोई ब्लर वगैरह है, मतलब दोस्तों यहाँ पे शानदार फोटो कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, हम इस प्रकार की वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।